सीरियल किलर मारने आया था 2 महीने पहले, 5 लोग वहीं पे हत्या हुए थे। अनिल जी ने किडनी देकर अपने भाई की जान बचाई, बट मैं भी अपनी किडनी देना चाहता हूँ। क्या ट्रक है यार। और आप लोग को पता है ये जो ट्रक है 2 बार इंडिया जा चुका है और वर्ल्ड टूर पे भी जा चुका है यार। ये तो हमसे ज्यादा किस्मत वाला निकला। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो ट्रक तो आपने देखा, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही रगड़ है हमारे जैसा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं यहाँ इस ट्रक के बाजू में क्या कर रहा हूँ। थोड़ी सी एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल मैं गया था मॉल, अपना शॉपिंग वॉपिंग चलती रहती है, कभी कुछ खरीदने जाते हैं कभी कुछ रिटर्न करने जाते हैं। तो मैंने शूज़ लिए थे, थोड़ा एक साइज़ छोटा हो गया था, तो मैं उसको रिटर्न करके बड़ा साइज़ लेके आया। मैं आपको बताऊँगा कि वो शूज़ कौन से हैं, बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। वहाँ मुझे एक कॉल आया। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने वो गणपति बप्पा वाली जो वीडियो डाली है, बहुत सारे लोगों ने प्यार किया, कमेंट किया। नहीं देखा है तो जाओ इंस्टाग्राम पे चेक करो। तो वो वीडियो देखकर भाई साहब का मुझे मैसेज आया, अनिल जी का, एंड आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर दिस पर्सन। और उनकी स्टोरी अगर उनकी ज़ुबानी सुनेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और वो रहे इधर अनिल जी। Hey, hello. Namaste. Hi, Rohan. कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं बताइए? आपका नाम क्या है? My name? Max. What's that? My name is Max. Max, यहाँ पर ही मैं ये वीडियो बना रहा था तो भाई साहब आगे बोलते हैं मेरा फोटो ले लो। तो मैं बोला ले लेते हैं आपकी फोटो। I took your picture and your video. Rohan, सबसे पहले हाँ जी, ये बहन जो मैं टी शर्ट दिन रात पहनता हूँ, हाँ जी, शायद आप भी गर्व से पहनेंगे क्योंकि हमारा टीम इंडिया का टी शर्ट है। अच्छा। और टीम इंडिया मैंने मैं टीम इंडिया के लिए खेलता हूं और हम 70 लोग हैं। अच्छा। जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में जाने वाले हैं जो पर्थ में हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में अगले अप्रैल को। ओके, होल्ड ऑन। आप लोगों को मैं अनिल जी से एकदम अच्छे से विस्तार से मिलाना चाहता हूं, बट उससे पहले मैं ये जो अनिल पहले ये बैंड दे रहा हूं ना इनको, हाँ। तो शायद आप भी पहन ले इसको। मैं अभी पहनता हूं और पहनने के बाद आपको मिलता हूं, ठीक है? वाह, कैसी लगी टी शर्ट? मस्त लग रही। अब अनिल जी की बारी है। अनिल जी, आप अपने बारे में बता दो सारे लोगों को। नमस्कार, मेरा नाम अनिल है और 8 साल पहले मैंने अपना एक गुर्दा मेरे भाई को दिया उनको बचाने। मेरा भाई भी एक डॉक्टर है और अब वो किडनी जान ही बचा रहा है। उनकी जान छोड़िए, अब मेरी जान पे आते हैं। अब बहुत सारे लोग इंडिया में हैं जिसको गुर्दे की ज़रूरत है और अपने ही नहीं देते, इसका मतलब है उनको अपनापन कम होता है। पर ये डर के मारे होता है। डर निकाल दो, प्यार को आगे आने दो, क्योंकि डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे प्यार है और प्यार की जीत हमेशा होती है। और मेरा जो प्यार है ना, एकदम मैं 2 जिंदगियां जी रहा हूँ, मेरे भाई की भी और मैं अपनी भी ज़िंदगी जी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरा हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास है, जैसे पहले था अब भी एक्चुअली बेटर है। आज मैं इंडिया के लिए एथलीट हूँ और 100 मीटर दौड़ता हूँ। मेरा उम्र क्या है, 54-55 होने को आ रहा अभी, तो तब भी मैं 13.6 सेकेंड्स में 100 मीटर ख़त्म करता हूँ। किडनी दीजिए अगर देना है तो अपनों को, बस यही एक मशवरा है। मतलब यार मुझे भी पता नहीं था जब इन्होंने बोला कि ऐसा मैंने किडनी दी है, तो मुझे पहला ख्याल है पार्ट ले रहे हो स्पोर्ट्स में, वो कौन सा स्पोर्ट्स है? तो अनिल जी बोला दौड़। तो यार मैंने बोला कि यार किडनी अगर दे दो किसी को तो यार चलने फिरने में दौड़ने ओढ़ने में तो प्रॉब्लम होती है यार शायद ये, तो ये मुझे भी पता नहीं था। बट अनिल जी ने जब बोला कि एक किडनी मैंने मेरे भाई को दी है और उसके बाद भी मैं ओलंपिक्स, क्या बोलते हैं उसको वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स बोलते हैं, और 2019 में मैंने अपने देश के लिए टीम इंडिया के लिए गोल्ड जीता और मेरा भाई भी अपने खेल में गोल्ड जीता है। और ये विश्व का पहला जो एक इंसिडेंट है जहां पर दोनों किडनी डोनर और किडनी रिसीवर दोनों ने उसी गेम्स में गोल्ड जीता है और हम दोनों भाई भी हैं, तो ये एक रिकॉर्ड है। क्या बात है यार, गर्व हो रहा है आज मुझे अनिल जी से मिलकर। और ये अनिल जी का ट्रक है जिसको आपने पहले देखा। इस ट्रक में अनिल जी ट्रैवल कर चुके हैं 2 बार इंडिया, और कहाँ कहाँ जा चुके हैं? ये ट्रक मुझसे ज़्यादा गई है, ये ट्रक इंडिया 2 बार घूमी है और अफ्रीका 2 बार घूमी है और नॉर्थ अमेरिका में जो मैं अभी चला के आया हूँ इसको 1 बार। क्या बात है। अभी मैं ये टी शर्ट चेंज कर रहा था, यहाँ पर अनिल जी बोला अंदर चेंज करो, मैं बोला नहीं इसको बाहर ही चेंज करेंगे। अंदर आप लोग को मैं अच्छे से दिखाना चाहता हूँ ये ट्रक, ये इनका कारवान, इनका जो घर बोल सकते हैं जब ये ट्रैवल करते हैं, इनका घर यहाँ पर अच्छा खासा है। ये तो जब ट्रैवल करते हैं तो इनको एक मतलब चाहिए रहता है कि यहाँ ये पहचान बन जाती है। इनका जो लोगो है इस
प्रकार का है वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 टीम इंडिया। इनफैक्ट मैं गाड़ी चला के इसी ट्रांसप्लांट गेम्स में भाग लेने जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं अर्जेंटीना जाऊँगा और अर्जेंटीना से गाड़ी को शिप में डाल के वहाँ से मैं पर्थ जाऊँगा और वहाँ पे मैं अपने टीम इंडिया से मिलूंगा और वहाँ पे हम कम्पीट करेंगे हमारे देश के लिए। तो चलिए घर आइए, गो इनसाइड एंड लेट्स एक्सप्लोर। क्या बात है, यहाँ आपका छोटा सा बेड है, ये दो आदमी आराम से सो सकते हैं। आराम से, हाँ, दो ही। हाँ? मैं और मेरी बीवी दोनों यहाँ सोते हैं और यहाँ पे एक गेस्ट का अगर तीसरा हमारे साथ आना चाह रहा है, ये डाइनिंग टेबल तो अच्छा सही है, अच्छा, और ये बेड बन जाता है। ये हमारा फुल बाथरूम है, नहाने वाने का सामान है इधर। क्या बात है यार, हाँ, बहुत तो पूरा फ्लश है, पूरा वो वॉशिंग मशीन, अच्छा रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उसके नीचे अंदर जनरेटर है। अच्छा, और जब भी मैं कहीं जाता हूँ मैं अपना जागरूकता के लिए फिर ये बोर्ड लगा देता हूँ यहाँ पर, ताकि लोगों को पता तो चले कि ये हो क्या रहा है। ये लोगों को बताना बहुत जरूरी था कि गुर्दा, किडनी जिसको बोलते हैं, अगर इंसान के अंदर एक किडनी हो ना तो भी इंसान अच्छी खासी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। अगर रोन आप ये भी सोच रहे हो, आपकी श्रोता सोच रहे हैं कि हरे भाई हमारे दो किडनी है, मेरे को अगर एक खराब हो गया तो मेरा अपना एक होना चाहिए, तो ये भी आपको बता दें कि किडनी फेल होता है तो दोनों साथ में होते हैं, इसका मतलब है दो जिस्म एक जान है। अच्छा, तो स्पेयर नहीं होगा आपके पास। अच्छा, अगर जब भागते हो या रनिंग करते हो तो कोई तकलीफ एक कुछ भी नहीं, मैं एकदम नॉर्मल, हाँ ऐसा है, कुछ दिया ही नहीं। ये है मेरा जहाँ से मैंने डॉक्टर ने काट के यहाँ से लिया हुआ, पर आजकल ये नहीं होता है, आजकल यहाँ पे दो छेद करते हैं, एक इधर करते हैं और यहाँ से निकालते हैं और कम उसमें दर्द कम होता है, 3 हफ्ते के अंदर आप फिट अप फाइन। देखो भाई, अनिल जी ने किडनी देकर अपने भाई की जान बचाई, बट मैं भी अपनी किडनी देना चाहता हूँ, मुझे आईफोन चाहिए। नहीं, ये तो गैर कानूनी है, अगर आप बेचने की देख रहे हो ना, एक तो बेचोगे तो किडनी डोनर निकाला, किडनी सेलर होगा आप, और ये गैर कानूनी है। किस देश है जहाँ पर ये कानूनी तरह से कर सकते हैं, वो ईरान। क्या बात कर रहे हैं, ईरान किडनी बेच सकते हैं? बेच सकते हैं, और इसको गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है ताकि किसी का शोषण ना हो। क्या बात है, तो चलो ईरान जाके किडनी देके आते हैं, वहां जाके फोन खरीदूंगा मैं तो। मैं ये एक दूसरी गाड़ी ले जा रहा हूँ अर्जेंटीना, यहाँ तक ये गाड़ी का सैर खत्म, अब ये 2 साल यहीं रहेगा, आराम फरमाएगा, बूढ़ा है, 26 ईयर्स ओल्ड की गाड़ी है। अच्छा, तो इसको यहाँ छोड़कर मैं अपनी दूसरी गाड़ी में जा रहा हूँ, ये जाएगी पूरी ऑस्ट्रेलिया और ये इंडिया भी आएगी और इंडिया की सैर करेंगे इसी में। इंडिया कहाँ कहाँ जाने वाली है, अगर किसी को जाके मिलना है? कोना इंडिया सर। क्या बात कर रहे हैं, कोना कोना। आप कहाँ पर आप डालोगे जो भी अपडेट्स है, किधर जाएंगे? मेरे जो अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है, आप जैसा इतना मशहूर नहीं हूँ, पर जो है सो है, गिफ्ट ऑफ लाइफ एडवेंचर के नाम से। इनफैक्ट ये है मेरे लोगो, गिफ्ट ऑफ लाइफ एडवेंचर, और ये है इंस्टाग्राम भी और ये है फेसबुक भी, यूट्यूब भी। प्लीज जाओ, सपोर्ट करो, जो नेसेसरी है, जरूरी है, उनको तो करना बनता ही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं गुर्दे के बारे में ही बात करता हूँ या अंगदान के बारे में, इस जर्नी में बहुत कुछ हमारे तजुर्बे होते हैं जहाँ से लोगों से मिलते हैं और ऐसे अलग अलग अजीबोगरीब या अजूबे देखने को मिलते हैं, वो भी मैं पेश करता हूँ ट्रैवल लॉग से। चलो अभी ये दूसरी गाड़ी, कौन सी गाड़ी है, रेंज रोवर? ये है टोयोटा लैंड क्रूजर। देखें पहले अंदर गाड़ी कैसी है। तो ये है मेरे अंदर का रहने का। बाप रे, तो भाई आपने भी ऐसे ही बनाया हुआ है, तो जैसे बाहर का था। हाँ, तो कभी कभार जब सिक्योरिटी में मैं डाउट लगता है कि यार ये सेफ नहीं है बाहर ऊपर जाना, ऊपर जाके सोना, हाँ। तो मैं अंदर ही सो सकता हूँ, अंदर से अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो अंदर से ही मैं ड्राइवर सीट में निकल के निकल सकता हूँ। अच्छा, ये खुल जाता है सर। क्या बात है यार, चूड़े खा लेते थोड़ा सा। ये पोहा, आलू मटर, आप लोग नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी ये सफर में, तो आप रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस गाड़ी में अनिल जी बहुत दूर दूर तक सफ़र करते हैं और अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों को कि यार जो ऑर्गन अगर डोनेट करते हो तो उसे कुछ तकलीफ नहीं होती है। पता नहीं इंडिया में ऐसा है कि नहीं है, जब आप लाइसेंस वगैरह बनाने जाते हो, अगर जब अप्रूव हो जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे क्लॉज आते हैं कि हाँ जी, इंडिया का कानून अमेरिका जैसा नहीं है। हाँ जी, तो आप बता रहे हो कि ड्राइवर्स लाइसेंस में आप दर्ज कर लो कि आपको अंगदाता बनना है। हाँ। अब इंडिया का कानून इसको मायना नहीं देता है। अब कि समझो कि मैंने अपना साइन कर लिया, मेरे लाइसेंस पे है, इंडिया वाले लाइसेंस में, और मैं गुजर गया। हाँ। उसमें लिखा है कि मैं ऑर्गन डोनर हूँ, पर इंडिया का कानून ये है कि मेरा चलता नहीं है, मेरी मर्जी चलती नहीं है, जो मेरा नेक्स्ट ऑफ किन है, मेरे बच्चे और मेरी बीवी, वो लोग बोले, वो लोग बोले हाँ या ना, मैं बोलूँ हाँ या ना फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर आपको अंगदाता बनना है तो आप अपने घर में समझाइए लोगों को कि मुझे ये करना है, क्यों करना है, और उनको उनकी सहमति लीजिए।
तो ये है कुछ आपका टेंट हाउस, क्या बोलते हैं, पेंट हाउस। मेरा टेंट पेंट हाउस। हाँ, टेंट पेंट हाउस। तो मैं चढ़ के दिखाऊं क्या, आप चढ़ोगे? आप चढ़िए। चढ़ सकता हूँ मैं? हाँ, अंदर थोड़ा अंधेरा ही होगा। अंधेरा दिख जाएगा, फिर भी मैं सिर्फ दूर से दिखना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा है अनिल जी का टेंट पेंट हाउस, कितना लाजवाब है और तकिया अंदर रखा हुआ है इन्होंने, बहुत ही बढ़िया। दो लोग तो आराम से, मुझे लगता है कि हाँ ये दो लोगों का है और इमरजेंसी में तीन लोग भी सो सकते हैं अगर हम मेरी तरफ बिल्ड हो। हाँ, तीन लोग बराबर है। यहाँ संजीव कपूर जी की फोटो लगी हुई है, इनका यहाँ क्या योगदान है? इनका ये योगदान है कि इस मुद्दे को लेकर वो बड़े पैशनेट हैं, उनको भी वो भी देखना चाह रहे हैं कि लोग अंगदाता बने, और ये मुझे 7 साल से सपोर्ट करते आए हैं कि मैं अपने मिशन में कामयाब रहूं। तो उनका मैं बहुत आभारी हूं, क्योंकि बहुत कम लोग अंगदान को सपोर्ट करते हैं। अगर मुझे 1 लाख लोगों को खाना खिलाना होता ना, अरबों पैसे आ जाते, पर इसके लिए जिसकी ज़रूरत है वो बहुत कम लोग देते हैं, और संजीव कपूर और ये जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो इसमें मेरे साथ डटे हुए हैं। क्या बात है यार, क्या बात है। तो अगर कोई भी सपोर्ट करना चाहता है अनिल जी को उनके इस जर्नी में, तो आप बिंदास सपोर्ट कीजिए, जाके उनको फॉलो कीजिए और साइन अप कीजिए giftoflifeadventure.com। तो ऑसम कि आपको ये जो इंस्पिरेशन है कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन जब भाई बच गया और दूसरी जानों को बचा रहे डॉक्टर है ना, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मैं ही, क्योंकि थोड़ा सा डर मुझे भी लगता था, पर प्यार के नाते मैंने दिया। अगर 2 दिन और भी मेरे भाई के साथ जी ले करके, उस मानसिकता से मैंने बोला चलो यार 2 दिन और जी लेंगे साथ में जो भी हो। अब 8 बरस हो गए इस बात को और मैं एकदम नॉर्मल से नॉर्मल हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि लोग क्यों आगे नहीं आ रहे। हमारे देश में 1 लाख से ऊपर लोग किडनी की वेट कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने परिवार में ही डोनर्स होते हैं और वो देने को मना करते हैं क्योंकि वो डरते हैं या प्यार कम है। मैं नहीं मानता कि प्यार कम है, डरते हैं, मुझे लगता है डर जाता है। या लोग डरते हैं, तो उस डर को दूर करना मुझे। या दूर करो, करो। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज शेयर करना, मैं बहुत कम बोलता हूँ वीडियो को, शेयर करना वीडियो को और जागरूक करना लोगों को कि किडनी अपनी देने से किसी को आपको कोई हार्म नहीं होता है। सो शेयर दिस वीडियो, ओके। व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, जिधर शेयर करना है शेयर करो। आई वॉन्ट यू गाइज टू शेयर इट। हाँ, ये बाकी सब ठीक है भाई, आपकी एक्सरसाइज हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ये किडनी डोनर्स आर सेक्सी, ये भाई किसका योगदान है? हाँ, क्यों सेक्सी नहीं हूँ मैं? अरे भाई बता दे सर, 55 की उम्र में। प्लीज सब लोग कमेंट करना, बताना। हाँ, अपना मुंह मियां मिट्टू सही, पर हाँ मैं हाँ तो मिला। आप इतने जगह घूमे हो, इतने देशों में गए हो गाड़ी लेकर, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई? यकीन नहीं मानो तो कनाडा में एक खूनी हमारे पीछे लग गया था, उसको सीरियल किलर बोलते हैं। ये सीरियल किलर 3 साल पहले की बात थी। उस गाड़ी में, इस बड़ी वाली गाड़ी में नहीं, उस गाड़ी में थे हम, और एक ऐसे जगह, उनको भी पता है कि सुनसान है वहाँ, नेटवर्क नहीं, कोई भी नहीं, पुलिस भी नहीं, और पेट्रोल बंक भी करीब 300-400 किलोमीटर की दूरी में एक एक करके, तो वहाँ पे काफ़ी खून होते हैं। ऐसा नहीं कि वो, मतलब लगा कैसे आपके पीछे? बस अपनी गाड़ी में लगा था। और फिर आपको कैसे पता लगा किलर है? क्योंकि वो हमारा पीछा छोड़ा ही नहीं, ऐसा नहीं कि ट्रैफिक था, सिर्फ वो था और हम थे, और जब हम रोके वो भी रोकता, और ये हम 10 बार किए और 10 बार रोका। और फिर क्योंकि 2 महीने पहले उसी इलाके में 5 लोगों की हत्या हुई थी, तो वो इलाका मशहूर है ऐसे चीज़ों के लिए, और हमें चौकन्ना रहना पड़ता है। तो आप कैसे निकले आप बाहर फिर? आप यकीन मानो तो वो समझ रहा था कि हमारा जो लैंड क्रूजर है उसमें पेट्रोल बहुत पीता है वो, और अगर हमने फास्ट चलाया तो वो खाली हो जाता जल्दी, पर उसको ये नहीं पता था कि उस गाड़ी में 2 टैंक है, और हम दोनों ने एक ही पेट्रोल बंक में भराई थी, और मैंने सिर्फ $20 की भराई थी। उनको लगा कि मेरे पास ज़्यादा फ्यूल नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ टॉप अप किया, पर फ्यूल तो मैं 125 या 150 लीटर लेके घूमता हूँ उसमें। अच्छा, तो आप निकल गए? हम तो निकल गए एकदम स्पीड से। अच्छा। जब हमें पता चल गया वो एक ट्रैप ले करने जा रहा था, तो मुझे 6th sense हुआ और मैं उसके पीछे लग गया। मैं 120-130 की स्पीड पे, और वो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो, क्योंकि जब वो रोका हम फट से निकल गए उसके साइड से ही, और उसके बाद हमको पकड़ नहीं पाए क्योंकि अगर वो स्पीड में चला था उसकी फ्यूल ख़त्म हो जाती है, और उसका छोटा गाड़ी। अच्छा। अगर वो फुल भी होता
तो एकदम फट से वो निकल जाता है। तो देखो ये इनकी जो जर्नी है उससे मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अभी नेक्स्ट आप कहाँ जाने वाले हो और अगर आप वहाँ पर जाते हो तो आप करते क्या है? तो इस जर्नी में जहाँ से मैं इंडिया से निकला, इंडिया से कश्मीर गया, कश्मीर से वापस बैंगलोर, बैंगलोर से फिर हम यहाँ आए गाड़ी को शिप में डाल के और यहाँ से हम अलास्का तक वापस यहाँ आए। अब नेक्स्ट श्रेणी में ये हो रहा है कि हम यहाँ से हम मेक्सिको जाएंगे, मेक्सिको से लेकर पूरा अर्जेंटीना तक, तो होपफुली फरवरी एंड तक अर्जेंटीना पहुँच जाएंगे और वहाँ से उस लैंड क्रूजर को जिसको ग्लोब लैंडर कहते हैं उसको हम शिप में डाल देंगे सिडनी तक, सिडनी से लेकर पर्थ तक हम गाड़ी चलाएंगे। वहाँ पे वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स की जो प्रतियोगिता है वहाँ पर हम भाग लेने जाएंगे। पर ऑन द वे मैं करता क्या हूँ, लेक्चर्स देता हूँ यार, लोगों को ज्ञान देता हूँ मैं। मुझे लोग इन्वाइट करते हैं हर जगह रोटरी के साथ, रोटरी क्लब आप जानते हो ये जो हमारे इंडिया में भी है बहुत हैं, तो उनके जरिए मैं रोटेरियन हूँ और मैं एक रोटरी क्लब ऑफ ऑर्गन डोनेशन का मैं सदस्य हूँ। तो उनको मैं जागरूक कर रहा हूँ कि आप ऑर्गन डोनेशन का जो प्रोजेक्ट या मुद्दा है वो अपने कम्युनिटीज में छेड़ें। देखो ऐसा था कि हम लोगों ने सोचा था कि इनका जो ट्रक है एक ट्रक लेके थोड़ा एक राउंड लेंगे, एक जाएंगे राइड लेंगे, बट अभी इस अंधेरे को देखकर लग रहा है कि जाना उचित नहीं रहेगा। वैसे गाड़ियों में लाइट होती है पर आपकी मर्जी। बट देखिए मैं ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था, आप लोगों तक ये संदेशा पहुंचाना कि यार ये जो किडनी डोनेट करते हैं या फिर अपना लिवर डोनेट करते हैं, हाँ, बट उससे किसी को जीते जी लिवर भी दे सकते हैं, हाँ, तो कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। एंड प्लीज जाइए सपोर्ट कीजिए इस कॉज को एंड लाइक कमेंट शेयर जैसा मैं आप लोग को बोलता हूँ एंड वीडियो को इधर तक ही रखूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक देखा है दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप लोग को, ईच एंड एवरी पर्सन, जैसे कि आप लोग को मैंने बोला है कि शेयर गिफ्ट ऑफ लाइफ एडवेंचर, शेयर करना बहुत जरूरी है, दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल एंड प्लीज बी सेफ, बाय बाय। हाँ जी बाय बाय।